चिंटी घर लाती है एक टॉय और वो उस टॉय के साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते काफी टाइम हो जाता है और फिर चिंटी को याद आता है कि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है और वो उस टॉय को रख के रेडी होने जाती है। और तभी वो टॉय बोलने लगता है और वो टॉय चिंटी से कहता है, चिंटी आज तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तब चिंटी सोचती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता और चिंटी तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तभी उसे ख्याल आता है कि कहीं ये मैजिकल टॉय तो नहीं है जो मेरा फ्यूचर बता रहा हो। लेकिन फिर भी वो बाहर चली जाती है। फिर चिंटी निराश होते हुए घर जाती है। फिर वो सोचती है कि इसकी बात सच हो गई और ये मैजिकल टॉय है जो मेरा फ्यूचर बताता है। फिर वो उस टॉय से पूछती है कि क्या मुझे मेरा पर्स और फोन वापस मिलेगा? नहीं। और वो फिर बहुत उदास हो जाती है। फिर चिंटी पढ़ाई करने बैठ जाती है। फिर वो अपना होमवर्क फिनिश करके अगले दिन स्कूल जाने के लिए अपना बैग तैयार करती है। तभी उसका मैजिकल टॉय उससे बोलता है, चिंटी कल स्कूल मत जाओ, तुम्हें स्कूल में डांट पड़ने वाली है। तभी चिंटी सोचती है कि मैंने तो अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लिया है और अपनी सारी बुक्स भी रख ली है तो फिर मुझे क्यों डांट पड़ेगी। और वो उस टॉय की बात ना मानते हुए अगले दिन स्कूल जाने के लिए सो जाती है। और दूसरे दिन सुबह चिंटी मैजिकल टॉय की बात ना मानते हुए खुशी खुशी स्कूल जाती है। और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था और उसका दिन भी अच्छा जा रहा था। और तभी टीचर सभी बच्चों से होमवर्क पूछती है और भी चिंटी हाथ उठाते हुए टीचर से कहती है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट है। और भी टीचर कहती है कि दिखाओ अपना होमवर्क। और चिंटी अब अपने बैग में उसका होमवर्क ढूंढ रही है और तभी उसे याद आता है कि उसकी होमवर्क कॉपी तो उसके घर पे छूट गई है। और भी चिंटी सोचती है ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और भी वो टीचर से कहती है, सॉरी मैम मैंने होमवर्क तो किया था लेकिन मैं कॉपी लाना भूल गई। अब टीचर को चिंटी पर बहुत गुस्सा आता है और वो चिंटी से कहती है कि होमवर्क किया ही नहीं होगा ना, इसलिए कॉपी भूलने का बहाना कर रही हो। तुम जैसे बच्चों को तो मैंने बहुत अच्छे से ठीक किया है। चिंटी रोते रोते स्कूल से वापस घर आती है और अपने मैजिकल टॉय को पकड़कर फूट फूट के रोने लगती है। चिंटू उससे पूछता है, क्या हुआ तू रो क्यों रही है? चिंटी उसे बताती है कि आज मुझे स्कूल में डांट पड़ी। चिंटू बोलता है, तू तो स्कूल का होमवर्क करके गई थी ना? चिंटी उसे बताती है, मैंने होमवर्क तो पूरा किया था लेकिन कॉपी घर पे भूल गई थी और मुझे पता था मेरा दिन खराब जाने वाला है। चिंटू उससे पूछता है कि तुझे कैसे पता था? और चिंटू को ये शक हो जाता है कि जरूर ये मैजिकल टॉय है जो इसे इसका फ्यूचर बताता है। और रात में जब चिंटी सोने जाती है अचानक मैजिकल टॉय उससे बोलता है, आज रात ध्यान से सोना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और चिंटी सोचती है कि मेरे साथ रात में क्या बुरा होगा। चिंटी की अचानक से नींद लग जाती है। और चिंटू अपने मिशन में कामयाब हो गया। अगले दिन सुबह चिंटू उस मैजिकल टॉय से अपना फ्यूचर पूछता है और कहता है, कुछ तो बता मेरे बारे में। नहीं। अब चिंटू को बहुत जोरों की भूख लगी है। चिंटू मोबाइल उठाकर अपने लिए कुछ ऑर्डर करने लगता है। तभी अचानक से वो मैजिकल टॉय बोलता है, चिंटू बाहर का कुछ भी मत खाना, तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाएगा। Oh, no. फिर चिंटू टॉय से कहता है, गड़बड़? मैंने तो बर्गर ऑर्डर किया है। और वो टॉय की बात नहीं मानता है और वो अपना बर्गर एंजॉय करता है। और बर्गर खाने के बाद उसके पेट में कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। फिर वो मैजिकल टॉय से कहता है, देख कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, तू भी चिंटी की तरह सारे काम उल्टे ही करता है। इतने में चिंटी आ जाती है और वो चिंटू से पूछती है, भैया आपने मेरा टॉय देखा क्या? मेरा टॉय सुबह से मिल नहीं रहा है। और चिंटू कहता है कि मैंने नहीं देखा। और चिंटी निराश होकर चली जाती है। चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी मैजिकल टॉय बोलता है, चिंटू स्कूल मत जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चिंटू टॉय से कहता है, चल कुछ भी कहता है, मैं चिंटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने अपनी सारी बुक्स रख ली है। और चिंटू अपने साथ उस मैजिकल टॉय को स्कूल ले जाता है।
और जैसे ही चिंटू स्कूल पहुंचता है उसकी क्लास टीचर चिंटू से कहती है कि चिंटू अपना होमवर्क दिखाओ। तब चिंटू मैम से कहता है कि मैम कल लाइट चली गई थी। टीचर चिंटू से पूछती है कि तुमने होमवर्क नहीं किया। फिर टीचर गुस्से में चिंटू के पास आती है और चिंटू को शाबाशी देते हुए कहती है कोई बात नहीं कल तो लाइट होगी ना, कल होमवर्क कर लेना। और चिंटू कंफ्यूज हो जाता है कि आज तो उसे डांट पड़ने वाली थी और वो खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी चिंटी चिंटू से पूछती है कि भैया आप इतने खुश क्यों हो। तभी चिंटू कहता है मुझे पता था कि आज मुझे डांट पड़ने वाली है लेकिन मुझे तो आज शाबाशी मिली। और चिंटी पूछती है कि आपको कैसे पता कि आज आपको डांट पड़ने वाली थी। अब चिंटी को शक हो जाता है कि उसका मैजिकल टॉय चिंटू के पास है और चिंटू कहता है कि प्लीज मेरे लिए पानी ले आ। जैसे ही चिंटी पानी लेने के लिए जाती है चिंटू वो मैजिकल टॉय को बाहर निकालता है और ये चिंटी देख लेती है। और चिंटी कहती है कि लाओ भैया मैं आपका बैग रख देती हूँ। और चिंटू उसे कहता है बैग मैं रख दूंगा तू ग्लास रखा। और फिर चिंटी ठान लेती है कि उसे उसका मैजिकल टॉय वापस लेना होगा। अगले दिन चिंटू उस मैजिकल टॉय को बाहर निकालता है अपना फ्यूचर जानने के लिए। और मैजिकल टॉय चिंटू से कहता है चिंटू आज तुम्हें डिस्काउंट में जूते मिलने वाले हैं। और फिर वो खुशी खुशी जूते लेने के लिए निकल जाता है। फिर चिंटी मौका देख के उस टॉय को बाहर निकालती है और अब वो मैजिकल टॉय चिंटी से भी कहता है चिंटी तुम्हें डिस्काउंट में शूज मिलने वाले हैं। फिर दोनों अपने अपने शूज लेकर घर पहुंचते हैं। चिंटी घर पहुंचने के बाद मम्मी को अपने शूज का बिल दिखाती है। मम्मी उसके शूज का बिल देख के बहुत खुश होती हैं क्योंकि उसे भारी डिस्काउंट में शूज मिले हैं। चिंटू भी घर पहुंच के मम्मी को अपने शूज का बिल दिखाता है और चिंटू के शूज का बिल देख के मम्मी बहुत हैरान हो जाती हैं और चिंटू से कहती हैं इतने महंगे जूते दिखा कौन से जूते लाया है। और फिर वही महंगे जूते चिंटू को खाने पड़ते हैं और वो डिस्काउंट में जूते खाने के बाद चिंटी के पास आता है। इसलिए कहते हैं चोरी करना बुरी बात है, आपने मेरा टॉय चुराया ना इसीलिए आपके साथ सब कुछ उल्टा हुआ। सॉरी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।